माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और ये सरकार भी पहले इस विषय को सदन में ला चुकी है। और जहाँ तक ई रिक्शा अमेंडमेंट बिल का सवाल है, तो उस पर जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन क्लॉज है ई रिक्शा का, जो कि 4000 वॉट तक जो है पहले नहीं था उसको डाला गया है, और लर्नर्स लाइसेंस जो सेक्शन 7 में था उसको बदला गया है, सेक्शन 9 को बदला गया है कमर्शियल लाइसेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। आज इसके समर्थन में मैं अपना वक्तव्य आप सबके सम्मुख रखना चाहती हूँ, और उसके जो कारण है वो ये है कि दिल्ली के अंदर 1,00,000 ई रिक्शाएँ हैं, जिसमें से 51,840 रिक्शा जो है वो नई दिल्ली में चलती हैं, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है। और इस बिल के प्रावधान से, सेक्शन 9 से और 9 की, 7 और 9 की वजह से जो क्वालिफिकेशन है, यानी किसी को लाइसेंस लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन थी उसको कम किया गया है। और उसमें पूर्व में भी कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे तब भी डीटीसी में भर्ती करने के लिए जो हमें कंडक्टर और ड्राइवर्स चाहिए थे, उस समय भी इस क्वालिफिकेशन को कम किया गया था, क्योंकि ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा या बहुत समृद्ध नहीं होता, वो एक रोजगार का माध्यम है और जिसमें गरीब तबके के लोग ही अधिकतर आते हैं, और गरीबी के कारण बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए इसको सरल करना जो है उस तबके के लिए एक बहुत सुविधाजनक प्रावधान रहेगा। इसी प्रकार से जो ई रिक्शा को लेकर जो काम है उसमें कहा गया कि जिसमें आप पर्सनल यूज के लिए भी रख सकते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि आने वाले भविष्य में जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या हरी टेक्नोलॉजीज की या जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको कम करने की बात करते हैं, तो ई रिक्शा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होगी, क्योंकि सड़कें जो हैं हर रोज कितनी हजार गाड़ियां हर साल डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर जो है लगातार भीड़भाड़ बढ़ी हुई है। शहर में भीड़भाड़ का कारण ही कारें और स्कूटर और इस तरीके के जो यातायात के साधन है वो है। तो अगर यातायात के साधनों को हम सुधारना चाहते हैं और दिल्ली को प्रदूषण रहित करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेट्रो ट्रेन्स यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या डीटीसी की बसें और बाकी पब्लिक बसें, उसका हमें प्रावधान करना होगा। और उनकी जब कमी होती है तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें इस दिल्ली की जनता को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब मेट्रो रेल या डीटीसी की बस आपको एक बड़ी सड़क तक पहुंचा देती है, तो आर्टीरियल सड़कों पर यानी कॉलोनी के अंदर जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है सिवाय पैदल चलने के या कोई ऑटो लेने के। ऑटो अधिक खर्चे वाला साधन है और ऑटो के माध्यम से प्रदूषण भी अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें ईंधन की खपत अधिक है। तो कहीं ना कहीं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है, जो कि आर्टीरियल रोड्स हैं उनके ऊपर चले और जन सुविधाओं को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और सड़कों पर जो भीड़ भाड़ है उसको भी कम किया जा सके। इसी के साथ जो ई रिक्शा को लेकर एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की बात उठी है कि जिसमें 236 ऐसी सड़कें हैं जिसको कहा गया है कि उन 236 सड़कों के ऊपर दिल्ली में जो है ई रिक्शा नहीं चल सकती, तो मुझे लगता है कि ये डीकंजेशन प्लान का हिस्सा है, यानी दिल्ली को इस तरीके की जो भीड़ भाड़ है उससे मुक्ति दिलाने के लिए। और अभी लगातार हम निर्भया फंड से लेकर तमाम इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जहां पर महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम उबर टैक्सी केस को देखें या हम उससे पूर्व में निर्भया केस को देखें, तो दोनों बार महिलाओं के लिए जो समस्या थी वो समस्या कहीं ना कहीं एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की थी, और वो दोनों दुर्घटनाएं इसी कारण से हुई जब महिलाओं को सुरक्षित जो है यातायात का साधन प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ई रिक्शा उसमें एक बहुत बेहतर जो है संसाधन हो सकता है, जिसमें हम मेट्रो और इस तरीके की जो यातायात के साधन है
उसका इस्तेमाल करें और रिक्शा के माध्यम से अंदर की जो कॉलोनी की सड़कें हैं उसको प्राप्त करें, तो महिला सुरक्षित भी महसूस अपने आप को करेगी और साथ ही कहीं ना कहीं एक जेंडर इक्वालिटी यानी यौन समता का भी विषय है, क्योंकि किसी और रिक्शा को चलाने के लिए आपको बहुत ही शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन ई रिक्शा के माध्यम से आपको बहुत अधिक शारीरिक बल की जो है आवश्यकता नहीं है और महिलाएं भी इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। और एक सिंगल विंडो डिजिटल फैसिलिटी का भी प्रावधान लाइसेंसेस के लिए जो है वो किया जाए, ताकि इसकी वजह से जो है अधिक से अधिक लोग सरल माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकें। एक जो चोरी का विषय आता है कि जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं या ई रिक्शा को ऑपरेट करने वाले हैं वो पावर थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए पहले ही सरकार को कुछ कदम इसमें रूल्स के माध्यम से जोड़ दिए जाने चाहिए और उनके एक सही जगह नियुक्त होनी चाहिए जिस जहाँ पर वो अपनी रिक्शाओं को चार्ज कर सके। जो एक दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा, जिसमें उन्होंने लगातार स्किल इंडिया और भारत में जो है उत्पाद बढ़े और लोगों को रोजगार प्राप्त हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, अब तक जो सामने आया वो ये आया कि हम चीन से या बाकी कई जगहों से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर केवल असेंबली हो रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार इसको अगर स्किल इंडिया के साथ जोड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ेगी, मेक इन इंडिया के साथ जोड़ेगी, तो हम इसमें बहुत बेहतर काम कर सकते हैं और मेक इन इंडिया का जो प्रावधान है उससे और अधिक रोजगार पैदा होगा। और ये जो विषय है केवल दिल्ली का नहीं बल्कि तमाम मेट्रो में जितने बड़े शहर हैं और जितने स्मार्ट सिटी और हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर एक बेहतरीन शुरुआत हो पाएगी। और एक क्लैरिफिकेशन का पॉइंट मैं चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि एक्ट में लिखा गया है 4000 वॉट इसकी ताकत होगी इस साधन की, यातायात के साधन की, लेकिन जो रूल्स हैं उनमें 2000 वॉट लिखा गया है, तो इसमें एक करेक्शन की आवश्यकता है। और मैं ये बिल्कुल मन से मानती हूँ कि दिल्ली की निवासी होने के कारण कि हर दिल्ली वाले को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है और उसमें जो ये बेहतरीन कदम है सरकार का वो बेहतर होगा। लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि मध्यम आय वर्ग के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान हुआ, तो मुझे लगता है कि ई रिक्शा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहार है मध्यम आय वर्ग के लिए भी, क्योंकि मध्यम आय वर्ग के ही जो व्यक्ति हैं वो मेट्रो से और डीटीसी की बसों से और ई रिक्शा द्वारा जो है अपना आना जाना करते हैं और उसमें जो है इस तरीके के प्रावधान से उनको बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी। एक स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 5.9 लाख जो है वो गाड़ियां हर साल दिल्ली में ऐड होती हैं, 5.9 लाख, और 3.3 लाख लोग जो हैं उन्होंने क्योंकि उनके पास डीटीसी बसें और वो सब प्रावधान नहीं है तो उनका इनका इस्तेमाल जो है वो कम हुआ है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली को, कंजेस्टेड दिल्ली को ठीक करने के लिए हमें 5 लाख लोगों के रोज जो हर साल जुड़ते हैं हमारे बीच में उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने की आवश्यकता है। और इस कारण जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है वो एक बेहतरीन कदम उठा रहा है कि हम इनके माध्यम से वो सब काम कर सकें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अधिक से अधिक हम ध्यान दें। जो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो जहाँ से सिलाई लगी होती है वस्त्र में वो उधड़ने की कगार पर है, क्योंकि हमने जो है BRT कॉरिडोर देख लिया, हमने फ्लाईओवर्स देख लिए जहाँ पर ना सरफेस एरिया बढ़ाया गया और ना ही लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हुई। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब जो SDG नया गोल है UN का भी, उसके माध्यमों में ये एक बहुत बड़ा साधन जो है वो होने वाला है।
कभी कभी कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति को तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्सीडेंट्स और इन सब मामलों को भी सामने उठाया जाता है कि दुर्घटनाएं हुई ई रिक्शा के माध्यम से, इसलिए आप इसको बैन करो। तो मैं इस संसद को याद दिलाना चाहती हूँ कि BMW, मर्सिडीज, इस तरीके की तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी बहुत दुर्घटनाएं हुई, तो क्या हमने उनको बैन करने के लिए यहाँ पर कोई कानून लाए? गरीब आदमी के रोजगार पर और उसके पेट पर लात मारने का अधिकार इस संसद को नहीं है, बल्कि ये संसद चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को ये रोजगार प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग अपने मेहनत से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको कुछ कुछ सुविधाएं प्राप्त हो। आई एम कंक्लूडिंग सर। आखिर में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है पैदल यात्री के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए एक बेहतरीन साधन होने वाला है, लेकिन बजटरी प्रोविजंस के माध्यम से मैं तीन चार विषय एक एक लाइन में बताना चाहती हूँ कि जो गरीब तबके का ई रिक्शा चालक है वो ई रिक्शा का मालिक बन पाए और उस मालिक को आसान किश्तों पर लोन प्राप्त हो, वो मुद्रा बैंक के माध्यम से इस बजट में प्रावधान किया गया है और मैं चाहूंगी कि संसद और तमाम लोगों को इसको प्रचलित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिले। जीवन ज्योति योजना जिसमें 18 से 60 वर्ष के लोग जुड़ सकते हैं, उसमें 330 रुपया यानी तकरीबन 1 रुपया रोज का देने से अनुदान 2 लाख रुपए तक का जो है उस व्यक्ति को जो है लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा प्राप्त हो सकता है, वो भी ई रिक्शा चालकों पर बहुत उपयोगी होगा। ई रिक्शा चालकों के लिए एक्सीडेंट बीमा जो कि 1 रुपया रोज के हिसाब से अगर दे तो 2 लाख रुपए की जन सुरक्षा उस व्यक्ति को उपलब्ध होगी और अटल पेंशन योजना के मुताबिक जितना वो जमा करेंगे उतना सरकार उनके खाते में जमा करेगी। 18 से 40 आयु के लोगों के लिए ये प्रावधान होगा। जनधन योजना के तहत अगर इन तीन चार चीजों को ई रिक्शा चालकों के साथ जोड़ा जाए तो जीवन और स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया सब पर अधिक से अधिक लाभ होगा। धन्यवाद।